हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, बहुत सारी सहेलियाँ रिक्वेस्ट कर रही थी कि कंप्लीट मंथ के लिए डाइट और सजेशंस बताएं, जिससे कि हम पूरे महीने स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को फॉलो कर सकें और फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो एक ऐसी डाइट डिज़ाइन करना, एक यूनिवर्सल डाइट डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका शरीर अलग है, सबके तरीके अलग हैं, सबका खान पान अलग है, सबकी ज़रूरतें अलग हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ले सकते हैं महीने के अलग अलग दिनों में, और वो आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में, गर्भधारण को सफल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो नेचुरली आप गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप IVF IUI के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप तीन कैटेगरी में आपको ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगी कि पीरियड टाइम क्या पीना चाहिए, कौन सी ड्रिंक्स लेनी चाहिए, ओव्यूलेशन के समय कौन सी ड्रिंक लेनी चाहिए जो कि आपके एग को मैच्योर करके ओव्यूलेशन कराने में आपके शरीर को मदद करेगी, साथ ही गर्भधारण की सफलता के लिए, इम्प्लांटेशन सक्सेस के लिए आपको कौन सी ड्रिंक्स लेनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पीरियड्स के दौरान हमें क्या पीना चाहिए, कौन सी ड्रिंक हमें पीनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है अजवाइन अदरक। पीरियड्स के दौरान गैस बनती है, कई महिलाओं को ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, काफ़ी गैस बनती है, तो अजवाइन आपकी गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं जो कि रात को भिगो के सुबह खाली पेट आपको पीना है। इसके अलावा कई महिलाओं को पीरियड्स में बहुत पेन होता है तो वो अदरक की चाय ले सकते हैं, ये आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं। पीरियड्स के दौरान शरीर डिटॉक्स होता है, शरीर की सफाई करनी होती है शरीर को, इसीलिए हमें लीवर की मदद करनी है, और लीवर की मदद करने के लिए कुछ डिटॉक्स ड्रिंक हमारे शरीर की मदद कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक ग्लास गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू का रस और एक चम्मच शहद ऐड करके सुबह खाली पेट पीना बहुत ही अच्छा रहेगा। आप वीट क्रस जूस ले सकते हैं, लेकिन वीट क्रस जूस को लेने के लिए आपको एक ग्लास पानी लेना है। 100 ml भी आप पानी ले सकते हैं, उसमें 15 से 20 ml आप वीट क्रस जूस ऐड करके उसको पी सकते हैं सुबह खाली पेट। इसके अलावा अंजीर और मुनक्का आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ओव्यूलेशन के समय ओव्यूलेशन स्टिमुलेट करने के लिए, अब चाहे आपको ओव्यूलेट नहीं हो रहा, PCOD की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम है, डिस्चार्ज नहीं आ रहा, ड्राइनेस रहती है, वेट बढ़ने की वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, हार्मोन इंबैलेंस की वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तो आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स के स्तर को मेंटेन करके अंडाशय से एग को रिलीज करने के लिए, सही तरीके से हार्मोन बनाने के लिए कुछ ड्रिंक बहुत ही यूजफुल हैं, जैसे कि लॉन्ग वाटर। कई महिलाओं के शरीर में बहुत गर्मी होती है, उनको बहुत हैवी ब्लीडिंग आते हैं, हार्मोन्स संतुलित नहीं रहते, तो उनके लिए सौंफ का पानी, सौंफ का शरबत ले सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर देख लें। आप अंजीर और मुनक्का को कंटिन्यू रख सकते हैं। आप ओकरा वाटर ले सकते हैं, ओकरा वाटर पे भी मेरा एक्सक्लूसिव वीडियो है। आप अशोक की छाल या फिर पीपल के टेंडर पत्तों का ड्रिंक बना के पी सकते हैं। आप फ्लैक्सीड पाउडर को पानी में डाल के पी सकते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व है, तो आपको प्रोटीन शेक लेना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना चाहिए। साथ ही अगर आपको PCOD की प्रॉब्लम है, आपका वजन ज्यादा है, तो आप आंवला और वीट ग्रास का जूस भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि ओव्यूलेशन के बाद का स्टेप होता है इम्प्लांटेशन का, तो इम्प्लांटेशन को सफल बनाने के लिए, लाइनिंग को बहुत अच्छी बनाने के लिए क्या खाएं, कौन सा ड्रिंक पिए। तो सबसे पहले नंबर पर ड्रिंक आता है बीटरूट, चुकंदर। चाहे तो आप चुकंदर खा लीजिए, कच्चा ले सकते हैं, उबाल के ले सकते हैं, उसका सूप बना सकते हैं, चुकंदर का रस ले सकते हैं। इसके अलावा आप अनार ले सकते हैं। अनार को नियमित लेने से फर्टिलिटी बूस्ट होती है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। इसके अलावा प्रोटीन का महत्व यहाँ पर भी है, आपको प्रोटीन लेना चाहिए अच्छी मात्रा में। साथ ही आप घर में बना हुआ टमाटर और पालक का सूप ले सकते हैं। ध्यान रखें, इन दोनों चीज़ों को आपको पका के इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि अब आप महीने के अलग अलग दिनों में इन अलग अलग चीज़ों को फॉलो करके अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर पाएंगी, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।